नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कसाना जी टेक्निकल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोको M3 का वाटर टेस्ट। पोको M3 आता है P2I कोटिंग के साथ में। इसमें किसी भी प्रकार की आपको IP67 या IP68 रेटिंग नहीं मिलती है, फिर भी हम आपके लिए वाटर टेस्ट लेकर आते हैं ताकि आपके मोबाइल पानी में चला जाए, कोई छींटे वगैरह आपके मोबाइल पर पड़ जाए तो उस पर किस तरह का प्रभाव होगा, किस तरह का रेस्पॉन्स आपका मोबाइल देगा, ये आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। दोस्तों जैसा आपको पता है, सबसे पहले हम इसके कुछ पोर्ट्स एंड बटन्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा इसका काम कर रहा है, फ्रंट कैमरा भी इसका काम कर रहा है। इसके बाद इसका ऑडियो चेक कर लेते हैं और जैक वगैरह चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम रॉकर्स भी काम कर रहे हैं, पावर बटन भी काम कर रहा है। चार्जिंग पोर्ट देख लेते हैं। दोस्तों चार्जिंग पूरी तरह से ले रहा है। तो दोस्तों अब हम इसका वाटर टेस्ट करते हैं। जैसा आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि हम एक मिनट का वाटर टेस्ट करते हैं, जैसा आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा होगा जिस मोबाइल का हम वाटर टेस्ट करते हैं उसमें भी स्टॉप वॉच लगाने के साथ साथ एक और मोबाइल में हम स्टॉप वॉच लगाते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इसका वाटर टेस्ट। एक मिनट का हम इसका वाटर टेस्ट कर रहे हैं। पोको M3 का ये वाटर टेस्ट आप देख रहे हैं कसाना जी टेक्निकल पर। यदि अभी तक आपने इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं देखा है तो आप इसका कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा जिसमें आप इसका स्क्रैच टेस्ट, बेंड टेस्ट, वाटर टेस्ट के साथ साथ ड्रॉप टेस्ट भी देख सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि आप घर में इस तरह के टेस्ट ना दोहराएं। 56 सेकंड हो गए हैं। सबसे पहले मैं इसका सिम ट्रे आपको दिखाऊंगा कि उसमें तो कोई पानी नहीं गया है। एक मिनट के बाद एक मिनट हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं पानी से बाहर और इसे साफ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका सिम ट्रे एक बार दिखा देता हूं कि इसके सिम ट्रे में तो पानी नहीं गया है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल में जो अंदर पानी जाता है वो सिम ट्रे से ही जाता है। आप फोकस करिएगा तो एक गैस्केट की प्रोटेक्शन यहां पर दी गई है, लेकिन एक मिनट के वाटर टेस्ट के बाद इसमें अभी तो कोई पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों मैं इसे साफ़ कर लेता हूं और इसके बाद आपको बताता हूं कि इस मोबाइल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एक मिनट के वाटर टेस्ट के बाद आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों मैंने पोको M3 को साफ कर लिया है, इसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया इसके पोर्ट्स एंड बटन से। तो हम देख लेते हैं कि इसका कैमरा और वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैमरा इसका काम कर रहा है, वॉल्यूम रॉकर चेक कर लेते हैं। स्पीकर भी काम कर रहा है, वॉल्यूम रॉकर्स भी इसके काम कर रहे हैं, पावर बटन भी काम कर रहा है। अब देखते हैं इसका चार्जिंग पोर्ट। चार्जिंग पोर्ट भी काम कर रहा है, चार्जिंग भी ले रहा है। तो दोस्तों एक मिनट के वाटर टेस्ट के बाद हमारा पोको M3 हमारे वाटर टेस्ट में सर्वाइव करता है और अभी तक इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यदि किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये था पोको M3 का वाटर टेस्ट। ये टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।